हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनू लोहान ब्लॉग्स। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नाइट स्किन केयर रूटीन। तो मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करने हैं अपने स्किन केयर के लिए। तो जिसने भी पहले मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ जाइए और उसको वॉच कीजिए, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगी आपको। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम अपने बालों को टाई करेंगे, टाई नहीं तो हम एक हेयर बैंड से उनको पीछे करेंगे लाइक दिस। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है फेस वॉश। हम अपने फेस को करेंगे वॉश। तो आई एम यूजिंग हेयर फ्रूट ऑफ द अर्थ फेस वॉश। ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, केमिकल बेस्ड नहीं है। तो अब मैं वॉश करके आती हूँ। तो अब हमने कर लिया अपना फेस को वॉश। तो सेकंड स्टेप में अपने नाइट रूटीन में, रूटीन तो नहीं कह सकते इस स्टेप को, हम करेंगे स्क्रब। तो स्क्रब हमें सिर्फ वीक में दो ही बार करना चाहिए, ज़्यादा स्क्रब करने से भी स्किन रफ हो जाती है। तो हाँ, आई एम यूजिंग हेयर बायोटिक स्क्रब, बायोटिक पपाया स्क्रब। नोज एरिया में हम ज्यादा करेंगे। सो हमें स्क्रब सिर्फ और सिर्फ एक मिनट तक करना है। एक मिनट से ज्यादा हम स्क्रब को नहीं करेंगे अपने फेस पे, नहीं तो ये हमारे फेस पे रेडनेस क्रिएट कर देगा, ज्यादा हमारी स्किन ज्यादा रफ हो जाएगी। जस्ट फॉर वन मिनट, नॉट मोर देन वन मिनट, रिमेंबर इट। सो अब मैं करके आती हूँ वॉश। सो आफ्टर स्क्रबिंग वी विल अप्लाई फेस मास्क। और ये क्यों ज़रूरी है स्क्रबिंग के बाद, क्योंकि जो हमारे जितने भी पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो हमें उनको क्लोज करना ज़रूरी है ताकि कोई भी डर्ट हमारी स्किन में ना जाए। तो आई एम यूजिंग हेयर द बायोटिक बायो क्लव फेस मास्क, और ये बहुत 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 अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो हम सिंपली, मैं इसको फिंगर से ही अप्लाई करूँगी। तो अब हम इसको 15 मिनट के लिए अप्लाई करके छोड़ देंगे, एंड आफ्टर 15 मिनट वी विल वॉश आवर फेस। तो मिलते हैं हम वॉश करने के बाद। के लिए अपना फेस को वॉश। तो जितने भी पोर्स हमारे ओपन थे वो अब क्लोज हो चुके हैं। अगर नहीं हुए तो हम यूज़ करते हैं कोई भी टोनर। मैं यहाँ पे यूज़ करी रोज़ वाटर। जितने भी बचे हुए होंगे वो भी बंद हो जाएंगे, तो मैं इसको सिंपली स्प्रे करूँगी। तो अब टोनर अप्लाई करने के बाद हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर, एंड आई एम यूजिंग हेयर द वैसलीन, द बेस्ट मॉइस्चराइजर एवर मेरे लिए। तो हम थोड़ी अमाउंट लेंगे। वॉर्म करेंगे। वॉर्म हम किस लिए करेंगे, ताकि हमारे स्किन में अच्छे से डीपली जाए। नाइट टाइम में हमारी स्किन रेस्ट करती है, इसलिए हम जो भी लगाते हैं, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उनका बेस्ट रिजल्ट नाइट टाइम में आता है। डोंट फॉरगेट योर नेक। तो हमने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है, तो अब हम यूज़ करेंगे अंडर आई क्रीम। जिनके भी डार्क सर्कल हैं, जैसे मेरे हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े, तो टेंशन तो होती है भाई, डार्क सर्कल किसको पसंद है, किसी को भी नहीं। तो मैं यह यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ की बाय बाय डार्क सर्कल्स आई क्रीम। तो इसको हम अप्लाई करेंगे अपने रिंग फिंगर पे। इस पर हम इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे लीस्ट प्रेशर इसमें होता है। तो ऐसे ऐसे स्लोली स्लोली मसाज करेंगे आराम से। हमारी अंडर आई की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो हमें सबसे कम प्रेशर, लीस्ट प्रेशर अप्लाई करना चाहिए, इसलिए हम अपने रिंग फिंगर को यूज़ करते हैं। तो हमारी अंडर आई क्रीम हो गई अप्लाई। तो सबसे लास्ट स्टेप बताओ क्या बचता है, एंड गेसेस गेसेस लिप्स।
तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लिप्स मॉइस्चराइज़र में लिप बाम में, वादी की तरफ से है लिप बाम। तो हम अप्लाई करेंगे अपने लिप्स पे। डन, वी आर डन। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूले। और हाँ, प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।